मैं विश्वास दिलाता हूं ये 14 महत्वपूर्ण सड़कें हैं। ये फिल्म अदाकारा जो कंगना रनावत है उनकी गाल से भी चिकनी सड़कें मैं बनाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं सुधा, आप देख रहे हैं सन नाइस न्यूज। अपने भाषण के दौरान कई बार नेता कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसके कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बीच झारखंड के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए इरफान अंसारी ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके इलाके में बनने जा रही सड़कें बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के गांव से भी अधिक चिकनी होंगी। एमएलए ने ये बात एक वीडियो शेयर कर बोली है। वहीं इरफान अंसारी ने कहा, मैंने सीएम हेमंत सोरेन से बोलकर अपने इलाके में 14 सड़कें पास कराई हैं, जिसे मुख्यमंत्री ने मान लिया है। मैं बीजेपी से बोलना चाहता हूँ कि जिसका नमक खाते हो उससे नमक हराम ही मत करो। मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सभी सड़कें फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के गांव से भी अधिक चिकनी बनवाने जा रहा हूँ, जिस पर हमारे आदिवासी बच्चे, युवा श्रेणी के लोग चलेंगे, सड़कें एकदम चकाचक बनेंगी। यही काम इरफान अंसारी का है। वैसे इस तरीके की कंट्रोवर्सी इरफान अंसारी के लिए नई नहीं है। अभी थोड़ी समय पहले इरफान अंसारी ने यह दावा किया था कि काफी वक्त तक फेस मास्क लगाना स्वास्थ्य हानिकारक होगा। पेशे से चिकित्सक अंसारी ने कहा था कि मास्क के ज्यादा एवं लंबे वक्त तक इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड इंसान भीतर लेने लगता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राजनीतिक नुमाइंदे इस प्रकार की बयानबाजी करते रहे हैं। साल 2005 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बिहार की सड़कों को लेकर एक्ट्रेस हेमा मालिनी के गालों की भांति चिकने बनाने का दावा किया था। अब आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बताएं, और वीडियो में कुछ भी देखकर आप खुशियां मजा आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर कहीं से भी नया आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।